इंदौर में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर कांग्रेस और दिग्विजय सिंह को निशाने पर लिया है। इस बार उन्होंने दलितों के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर जुबानी प्रहार करते हुए उन्हें आड़े हाथों लिया है। बीजेपी के शीर्ष नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि कांग्रेस ने पहले तो राज्यसभा चुनाव के लिए दलित नेता फूल सिंह बरैया को आगे किया, जिसके बाद उन्हीं के नेता दिग्विजय सिंह को उनको हराने में लग गए हैं। वहीं विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह पर हुई एफआईआर के बारे में भी निशाना साधा है। आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना काल में मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों बयानबाजी की जंग चल रही है और उसी के लिए उन्होंने पत्र लिखा था शिवराज जी को कि अगर वो इन पे कार्रवाई नहीं करेंगे जिन्होंने ठगी करी तो वो उनके घर के सामने धरना देंगे, और इसी के चलते उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर दर्ज इसलिए कराई कि उन्होंने गलत वीडियो अपने ट्वीट के माध्यम से विपक्ष के विधायक के रूप में उन्होंने जो बयान दिया था उसको मुख्यमंत्री के रूप में बयान पेश किया और इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज। जीतू जी 8-10 दिन में वाकर के बल पर चल सकेंगे, यदि वो चल सके तो वही रहेंगे, नहीं तो कोई संगठन के दूसरे नाम के बारे में सोच सकता, पर अभी तो जीतू जिराती ही 8वें प्लेयर के प्रभारी।